अस्सलाम वालेकुम माय वाइटी फैमिली, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद और यकीन है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश व खुर्रम शाद आबाद रखे, आमीन। मैंने बनाया अपना जिनसा ट्राउज़र है, ट्राउज़र पर डिज़ाइनिंग खूबसूरत सी क्रिएट की, तो सोचा आप सबसे भी शेयर करूँ कि कैसे बनाई और किस तरीके से बनाई। उम्मीद है कि आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो फुल वॉच कीजिएगा और देखिएगा कि किस तरीके से बनाया गया, कितना आसान तरीके से बनाया गया है। इंशाल्लाह जब भैया आप सीखेंगी मेरी वीडियो को फुल वॉच करेंगी तो आपको ये बहुत इजी लगेगा बनाना। तो जी चलते हैं अपने डिज़ाइनिंग की तरफ। सबसे पहले मैंने ये जो सी चिप्स बुकरम ली, यानी कि जो गले पर हम जिसे हम बनाते हैं वो बुकरम है, जिसे चिप्स बुकरम कहा जाता है जी, वो लेकर मैंने इसकी जो सी लेंथ है वो तकरीबन इतनी ली कि जितना मेरा पैंचा है, और जो सी इसकी चौड़ाई है वो 3 इंच की ली। जैसे कि मैं वो इंच टेप के साथ आपको दिखा चुकी हूँ कि 3 इंच की इसकी चौड़ाई है और लेंथ जो सी है वो जितना आपके ट्राउज़र का पैंचा हो उतनी आपको लेनी है। सबसे पहले वो लेकर मैंने पैंचे पर पेस्ट कर ली, जैसा कि आपने देखा आयरन की मदद से मैंने उसे अच्छे से पेस्ट कर ली। सेकंड मैंने काम किया है कि 2 इंच की पट्टी, जी हाँ जैसा कि आप देख रहे हैं 2 इंच की पट्टी ली, ये भी चिप्स बुकरम की ली, और इसे भी मैं आयरन की मदद से कपड़े पर पेस्ट करूँगी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं आयरन की मदद से कपड़े पर पेस्ट कर रही हूँ। इसके लिए हमने साइडों पर कपड़ा नहीं छोड़ना, इसीलिए मैंने जो बचा हुआ कपड़ा था तो उस पर चिपका रही हूँ। ये आप देख रहे हैं कि कहीं से कम कहीं से ज़्यादा वो कुछ कटिंग में से निकला हुआ ये पीस है, तो उसी तरीके से मैंने इसमें इस पर ये जो सी बुकरम की पट्टी है वो पेस्ट कर दी है, क्योंकि हमें साइडों से कपड़ा नहीं चाहिए है, ये हम कट कर देंगे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, हमें साइड से बिल्कुल भी कपड़ा नहीं चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने आयरन की मदद से ये भी पेस्ट कर दी है। ये अभी हमारी जो सी है ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग बनाने की तैयारी चल रही है, ये समझने के उसकी तैयारी में ये जब हम ये तमाम काम कर लेंगे उसके बाद अपना काम स्टार्ट करेंगे तो बहुत जल्दी आपका जो सा डिज़ाइन है वो बन जाएगा और आपको बनाने में भी आसानी होगी, मुश्किल नहीं होगी। जैसे कि अब हम चलते हैं लूप्स की तरफ, जी हाँ डिज़ाइन में लूप्स यूज़ होंगी, यानी कि डोरी जो सी कपड़े की बनाई जाती है और घर पर खुद बनाई है। ये मैंने 2 इंच की, जैसे कि आप देख रहे हैं कि 2 इंच के पीसेस मैंने कट किए हैं, और ये जितने भी मेरे पास मैंने 2 कलर का डिज़ाइन उस पर बनाऊंगी, यानी कि 2 कलर लूंगी, एक मेहरून और सेकंड पिंक कलर, इन दोनों को मिक्स करके मैं बनाऊंगी। 2 इंच की मैंने ये डोरी के जो से पीसेस हैं तमाम के तमाम कट कर लिए हैं। ये लूप्स किस तरीके से तैयार की जाती हैं अगर आप ये भी सीखना चाहते हैं तो बहुत जल्द मैं इसकी वीडियो भी अपने चैनल पर डाल दूंगी, आप वो ज़रूर वॉच कीजिएगा, आपको लूप्स बनाना बहुत आसान लगेगा। जिस तरीके से मैं बनाती हूँ वो तो बहुत ही इजी तरीका है जी। तो आगे चलते हैं हम तैयारी के अगले मरहले की तरफ। इसमें हमने ये पीस लिया है, ये तकरीबन 2 इंच, ये देखें 2 इंच इसकी चौड़ाई है, उसकी चौड़ाई की पट्टियाँ मैंने ले ली हैं, और अब मैं 2 इंच ही की उसकी लेंथ लूँगी, यानी कि मुझे चौरस कपड़े चाहिए। ये देखें जितनी मैंने चौड़ाई ली है उतनी ही मैं लेंथ में इसे कटिंग कर लूँगी, यानी कि चौरस पीस कटिंग कर लूँगी। जैसा कि अभी आप देखेंगे कि मैंने ये देखें 2 कलर के, वही जो जिसमें मैंने लूप्स ली थी उन्हीं 2 कलर्स में मैंने जो सी हैं ये पीस चौरस पीस भी कटिंग कर लिए हैं। ये स्क्वायर पीस जो से हैं ये भी हमारे उसमें काम आएंगे अपने डिज़ाइनिंग बनाने में, तो ये भी मैंने तैयार करके रख लिए हैं, यानी कि स्क्वायर पीस और 2 इंच का डोरी का पीस। अब हम चलते हैं स्टिचिंग की तरफ। सबसे पहले जो से हैं पैंचे के नीचे की साइड जहाँ पे हमने बुकरम पेस्ट की थी, तो जो हमने हिस्सा छोड़ा था उस पर नहीं हमने सिलाई लगानी, हाँ यानी कि आपकी सिलाई जो सी है वो बुकरम पर नहीं आनी चाहिए, नीचे कपड़े पर आनी चाहिए। कपड़े पर हम इस तरीके से सर्कल के शेप में हम जो सी लूप्स की कटिंग की थी, अगर आपकी लूप्स जो सी हैं वो इक्वल कटिंग हुई होंगी, यानी कि बड़ी छोटी नहीं होंगी, तो आपका जो सा डिज़ाइन है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अगर आप लूप्स का साइज़ लेते हुए गड़बड़ कर देंगी कि कोई बड़ी काट दी कोई छोटी काट ली, तो उसका असर डिज़ाइनिंग पर बहुत ज़्यादा पड़ता है, उससे आपके डिज़ाइनिंग में जो सी है फिनिशिंग नहीं आएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं एक एक कलर यूज़ कर रही हूँ, एक पिंक और एक मेहरून कलर का ले रही हूँ, इन दोनों को सर्कल के उस पर मैंने स्टिच कर लिया है पैंचे पर। अब जो सी हमने अलग से पट्टी ली थी 2 इंच की और उस पर भी बुकरम पेस्ट की थी, उस पर हम जो से स्क्वायर हमने ये पीसेस कटिंग किए थे,
तो उससे वर्क करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि मैंने कैसे स्क्वायर पीस का की जो सी है शेप किस तरीके से ट्रायंगल में उसे चेंज किया है, आपने इसी तरीके से चेंज करना है इसे, यानी कि उसमें स्क्वायर को पहले, जैसा कि अभी मैं दोबारा भी आपको दिखा रही हूँ, स्क्वायर को आपने ट्रायंगल की शेप देनी है और इसे दोबारा से फिर आपने फोल्ड करना है। कॉर्नर से कॉर्नर आपके मैच होने चाहिए। मैं एक हाथ से कैमरा होल्ड किए हुए हूँ तो इसलिए थोड़ी सी मुझे मुश्किल भी हो रही है, तो ये इस तरीके से आपने करना है। इस तरीके से आपने तय उस स्क्वायर के लगाकर ये ऊपर नीचे एक दूसरे की नोक पर नोक आनी चाहिए और इस तरीके से आपने स्टिच करनी है एक पैर के बक्से पर, यानी कि एक पैर का आपने छोड़ना है और आपने सिलाई करते चले जाना है। इसी तरीके से दूसरी तरफ वही कलर सेम आने चाहिए एक दूसरे के सामने, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, और जो उनसे कॉर्नर हैं वो कॉर्नर एक दूसरे से टच होने चाहिए, एक दूसरे के सामने होने चाहिए, तभी आपका जो सारा डिज़ाइन है वो बहुत अच्छे से बनेगा। इन छोटी छोटी टिप्स का ख्याल रखा करें, तभी आपकी जो सी डिज़ाइन है परफेक्ट और फिनिशिंग लिए हुए बनती है, अदरवाइज़ फिर उसमें इतनी फिनिशिंग नहीं आती। उसके बाद मैंने ये 4 इंच का कपड़े का पीस लिया, जी हाँ 4 इंच का। इस 4 इंच के पीस को लेके मैंने इस कपड़े का जो सा नीचे वाला हिस्सा है जहाँ पे हमारी बुकरम नहीं पेस्ट की हुई, तो उस पे यानी कि सीधी तरफ हम ये रखेंगे और जहाँ से हमने लूप्स की सिलाई लगाई थी, लूप्स लगाई हुई हैं इसके ऊपर रख कर, हम जहाँ पर हमारी सिलाई लूप्स के लिए हमने लगाई है तो उसी के ऊपर, यानी कि जो सा हमारी बुकरम लगी हुई है बुकरम के साथ साथ हमें सिलाई लगानी है। चलें आप उल्टा कर लें इस तरीके से, मैं सीधी तरफ से लगा लेती बट आपको नुमाया करने के लिए मैंने ये पीस उल्टा कर लिया। ये देखें अब आपने सीधी तरफ कपड़ा रखकर ऊपर, और ये जो सा हमने बुकरम पेस्ट की थी इसके बिल्कुल किनारे पर इसके साथ साथ लगानी है, बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। अगर आप बुकरम पर सिलाई लगा देंगी तो उस पर भी जो है आपकी ना डिज़ाइनिंग में सफाई नहीं आएगी, इतनी फिनिशिंग नहीं आएगी। जी जो हमने वो लगा दिया है और इसके बाद हम जब वो स्टिच कर लेंगे उसके बाद हमने ये जो हमारा कपड़ा है एक्स्ट्रा जो ये हमने पट्टी तैयार रेडी की थी इसे भी हम पाँचे के ऊपर लगाएंगे। पाँचे की सीधी तरफ से इस तरीके से जो से कॉर्नर हैं जो हमने ये ट्राइंगल लगाए थे इन्हें सीधा करते हुए तो पाँचे के ऊपर, लेकिन इतना गैप देना है कि ये देखें, मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि कोने जो से हैं वो बिल्कुल जो से नीचे की लूप्स हैं इनके एंड पर जा रही है। इस तरीके से आप देखें लगाएंगी तो आपकी सिलाई बिल्कुल सीधी आएगी और परफेक्ट आएगी और बहुत अच्छे से फिनिशिंग आएगी। सिर्फ मैंने गैप इतना ही दिया है कि वो कॉर्नर जो से हैं वो नीचे लगने चाहिए आपके, जहाँ पर हमारी लूप्स का एंड है वहाँ पर। इसी तरीके से नीचे से सिलाई मैंने कम्प्लीट की और फिर ऊपर की तरफ भी सिलाई लगा दी पट्टी के। जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा जो सा है मुकम्मल हुआ इतना वर्क। आगे का हम फिर स्टेप बनाते हैं। ये जो सा कपड़ा है जो हमने एक्स्ट्रा लगाया था इसे हम नीचे की साइड जाने फोल्ड करेंगे, ये इस तरीके से देखें, इस तरीके से फोल्ड करेंगे। इससे क्या होगा कि एक तो लूप्स जो सी हैं वो भी छुप गई, नीचे से आपकी बुकरम भी जो सी हैं वो भी छुप जाएगी, और जो सी सिलाई वगैरह हमने लगाई है पट्टी लगाने के लिए वो भी आपकी कवर होगी। और इसके बाद जो से हम बीड्स लगाकर अपने डिज़ाइनिंग को कंप्लीट करेंगे उसका जो सा धागा होगा वो भी इस कपड़े के अंदर कवर हो जाएगा। इसे हम अभी फोल्ड नहीं करेंगे, मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि ये इस तरीके से आपको फोल्ड करना है एंड में, कि ये जो सी बुकरम के ऊपर रखकर बाकी का जो सा कपड़ा नीचे की तरफ फोल्ड करना है आपको किनारा, और ये स्ट्रेच कर देना है। अब हम चलते हैं अपने डिज़ाइनिंग के आखिरी मरहले की तरफ। जी तो आखिरी मरहला ये है कि अब आपको इस्तेमाल करने हैं बीड्स। आपने जो से ये लगाई हैं ट्रायंगल लगाए हैं इसे अपने हाथों की उंगलियों की मदद से इसे खोल लीजिए। अब भी पहले खोल लीजिए तो इसके बाद आपको लगाने में जल्दी और आसानी होगी, जल्दी जल्दी लग जाएंगे और आसानी से लग जाएंगे। अब आपने जो से ये पट्टी है सेंटर की, इसके सेंटर में आपने सुई की मदद से सुई को निकालना है, और उसके बाद जो से ये ट्रायंगल हैं इनकी कॉर्नर जो से हैं कोने में से आपने सुई को निकालना है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं और मुझे यकीन है कि आपको देखने से बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, दूसरी साइड का कोना भी हमने इसी तरीके से पकड़ना है, बीड्स डालना है, कोने को पकड़ना है और फिर इन कोनों को पकड़ के सेंटर में ही हमने दबा देना है सुई की मदद से। ये देखें अभी आपको क्लियरली नज़र आ जाएगा और आप सब इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर आपने बीड्स अटैच करने हैं।
इन बीड्स की मदद से ही हम अपना जो सारा डिज़ाइनिंग है वो कंप्लीट करेंगे। बीड्स से एक तो लुक बहुत अच्छी आ जाएगी, फैंसी लुक आ जाएगा आपकी डिज़ाइनिंग में, जो कि डिज़ाइनिंग को चार चांद लगा देगा। और मुझे यकीन है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा और बनाने में आपको, इसे देखकर बनाने में आपको कितनी आसानी मिली। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं बीड्स की मदद से अपनी डिज़ाइनिंग को मुकम्मल कर रही हूँ, इसी तरीके से आप भी एक एक को पकड़िएगा और इसे लगाते जाइएगा। इससे यह है कि जो सामने धागा है बार बार नीचे आपको बंद नहीं करना, बल्कि इसी तरीके से ऊपर ले जाती रहेंगे, क्योंकि जो सा धागा का को है वो हमने जो सा कपड़ा एक्स्ट्रा लगाया है नीचे पाँचे का उससे कवर करेंगे। ये देखिए मैंने अपना डिज़ाइनिंग मुकम्मल कर लिया है, ये देखिए जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लगाया उससे सब कवर हो गया, कुछ भी नीचे नज़र नहीं आ रहा, नीचे भी फिनिशिंग है और पाँचे तो है ही फिनिशिंग के साथ बना हुआ। उम्मीद है कि आपको डिज़ाइन पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, मुझे दें इजाज़त, अपना रखेंगे ख्याल, दुआ में याद रखेंगे, अल्लाह हाफिज़।